शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR में मार्च महीने से ही भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। लोग पसीने से इस कदर बेहाल हैं कि कूलर और AC में भी राहत नहीं मिल रही है। वहीं IMD के मुताबिक अगले 2 दिनों में दिल्ली वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल अगले 2 दिन दिल्ली के में दिन के समय तेज हवाएं चलेंगी, जिस वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। इसी के साथ बता दें कि दिल्ली में शनिवार यानी 26 मार्च को आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई और यह 19.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो मौसम के औसत से 3 डिग्री अधिक था। वहीं इससे एक दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी में 21.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। हालांकि अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं IMD के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया है कि 28 मार्च से दिन के तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। उनका कहना है कि उत्तरी से दक्षिण की ओर हवा की दिशा में बदलाव के कारण 28 मार्च तक अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। वर्तमान में हवा की दिशा उत्तर पश्चिम है, जो ठंडी है और दिन के तापमान को नियंत्रण में रखती है। इस बीच शहर की वायु गुणवत्ता में खराब श्रेणी में थोड़ा सुधार हुआ है। शुक्रवार को 0 से 500 के स्केल पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI एक दिन पहले 280 की तुलना में 211 दर्ज किया गया। वहीं सफर ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होने की संभावना है, लेकिन ये खराब या मध्यम के ऊपरी छोर की श्रेणी में ही रहेगी। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।